Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, friends. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, Force and Law of Motion. As the name indicates, force means what? फोर्स मीन्स जनरली हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स मीन्स क्या है, ताकत. जनरली कॉन्सेप्ट यही है. इन एवरी डे लाइफ यू ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन टू मोशंस. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई रुका है तो अगर आपको उसको मोशन में लेकर आना है तो हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर ताकत लगा रहे हो तभी वो मूवमेंट में आ रहा है. या और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है रोलिंग करके आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको कुछ फोर्स उसके ऊपर ताकत लगानी पड़ेगी तभी आप उसको स्टॉप कर सकते हो. जनरली हम लोग डेली लाइफ में ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से देखें तो वी कैन से डैट इट इज़ अ मस्कुलर एफर्ट, बट और वी कैन से डैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और ये पुश और पुल करने के बाद अगर उसकी स्टेट ऑफ मोशन में या अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसमें कुछ चेंज आ रही है, देन इट इज़ कॉल्ड द फोर्स. सो फोर्स क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी अगर हम लोगों को उसको मोशन में लाना है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी. और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो भी अगर उसकी स्पीड अप करना है तो भी हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर उस किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो भी हम लोगों को उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो फोर्स जनरली क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करते हो, पुल करते हो, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस मीन्स क्या, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो मोशन में आ जाएगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो हो सकता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, या आप उसको अगर रोक रहे हो सामने तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए, या फिर उसकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. सो दिस इज़ द फोर्स. फोर्स जो है इट इज़ ऑफ मेनली टू टाइप. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, नंबर सेकंड इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स मीन्स व्हाट? फोर्स डज नॉट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑन योर पेज फिगर, दिस 9.1. बैलेंस फोर्स, वो फोर्स जिसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक जनरली आपकी बुक में पेज फिगर 9.3 दिया हुआ है. एक वुडन टेबल है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है. नाउ द टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, दोनों साइड से हम लोग उसको टाई ऑफ कर देंगे दोनों स्ट्रिंग्स को. दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स. इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय अप्लाइंग द स्ट्रिंग एक्स, द ब्लॉक बिगन टू मूव टू द राइट. देखो एक्स साइड्स पे अगर आप स्ट्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग को उधर से खींचोगे तो वो वुडन बॉक्स जो है एक्स की साइड पे चला जाएगा, और अगर आप वाई की साइड से उसको स्ट्रिंग को खींचोगे तो बॉक्स मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. देन अगर दोनों साइड पे देखो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है. एक साइड पे अगर आपने एक्स साइड पे खींचा तो वो फोर्स उधर है, दूसरी साइड पे वाई की तरफ अगर हम लोग एक साथ खींच रहे हैं तो वो इस केस में फोर्स रिजल्टेंट उधर जा रहे हैं. लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप इधर से भी टाई ऑफ खींच रहे हो एक्स साइड से भी, वाई साइड से भी हम लोग स्ट्रिंग को खींच रहे थे, वुडन बॉक्स जो है वो सेंटर में ही रहेगा. इट मीन्स क्या है कि हम लोगों ने फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई किया है, इस साइड से भी स्ट्रिंग को खींचा, दोनों से खींचने के बाद वो वुडन बॉक्स जो है इट स्टेडी इन द सेंटर पोजिशन. सेंटर पोजिशन पर क्यों है? बिकॉज ये रिजल्टेंट फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. अब यही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कोई भी, चलो सपोज आप कुतुब मीनार ले रहे हो. कुतुब मीनार जो है आपको पता है कि दिल्ली में है, दिल्ली में एक कुतुब मीनार जो है आप उसको हिलाने के लिए उसको पीछे से पुश कर रहे हो, ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये फोर्स आपने अप्लाई किया. वो कुतुब मीनार जो है आप कितना भी फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो, वो कुतुब मीनार अपनी पोजिशन पर बिल्कुल नहीं हिलेगा. क्यों? रीज़न क्या है कि ग्राउंड जो है वो भी नीचे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इस केस में दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज़ जीरो और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं.
दिस इज द बैलेंस फोर्स, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल अपनी पोजिशन से चेंज नहीं करता है. द फोर्स डज नॉट चेंज द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर वो रेस्ट पे है या अगर वो मोशन में है, तो उसकी फोर्स चेंज कुछ भी उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा. सिंपल एग्जांपल मैंने अभी आपको लेके बताई है, कुतुब मीनार अपनी ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा भले आप हम लोग उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या है? इसमें अनबैलेंस फोर्स द फोर्स अंडर विच द कंबाइंड इफेक्ट, द फोर्स अंडर विच द कंबाइंड इफेक्ट आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कमिंग फोर्स. इस केस में वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो कुछ भी है, उसमें आपका वो ऑब्जेक्ट चेंज होगा. बैलेंस में एक और एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन से मैं इधर से भी बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से भी अप्लाई कर रही हूँ, दोनों साइड से मैंने अप्लाई करने के बाद वो पेन जो है इधर ही स्टडी पोजिशन पर रहेगा, उसकी पोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज दोनों साइड से बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है, फ्रॉम दिस साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड. इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आएगी. दिस इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स. और अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है, अगर मैंने उसको यहाँ से दिस वन रेस्ट पोजीशन पे है, यहाँ से मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया तो वो अपनी पोजीशन से चेंज करके गया. यहाँ सेकेंड एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, फोर्स अंडर द विच कंबाइंड फैक्टर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कमिंग फोर्स. इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा. रिजल्टेंट फोर्स जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज दूसरी साइड से जो फोर्स आ रही है वो उसको कैंसिल नहीं कर रही है. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पेज नंबर, यहाँ पे नंबर 115 पे भी एक्टिविटी दी हुई है कि चिल्ड्रंस जो है एक वुडन बॉक्स को पुशअप कर रहे हैं, नीचे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का एरो जो है वो बैकवर्ड पोजिशन पर दिखाया, और जो बच्चे जो पीछे से चिल्ड्रंस पुशअप कर रहे हैं वो उसका एरो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है. सो यहाँ पे जब चिल्ड्रंस उनको पुशअप कर रहे हैं, पुशअप करने के बाद सम चिल्ड्रंस ट्राई टू पुशअप अ बॉक्स इन अ रफ सरफेस. अब क्योंकि रफ फ्लोर है, यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन किसी भी मोशन की स्पीड को कम कर देता है. इफ़ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉलर फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जब क्योंकि अब उस अगर वो स्टूडेंट्स जो हैं या कोई भी ये चिल्ड्रंस जो हैं, अगर वो स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा नहीं. क्यों? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करेगा. दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन द टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट. नाउ अगर यही बच्चे उस बॉक्स को हार्डली पुश करते हैं, द पुशिंग फोर्स बिकम द बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स. ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, उस केस में पुशिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स, और वो जो बॉक्स जो है इट स्टार्ट मूविंग. तो ये नीचे एक्टिविटी दी हुई थी. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स यहाँ पे लॉ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को तीन बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने न्यूटन्स के बारे में ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा पहले, कि न्यूटन ने डिस्कवरी किया था कि अर्थ के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में न्यूटन के हम लोग और भी लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. ये तीनों न्यूटन्स के लॉज जो हैं ये न्यूटन ने डिस्कवरी किया था, और ये सारे के सारे फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 9.2 पेज नंबर 116 इंक्लाइन प्लेन है. यहाँ पे ऊपर फिगर देखो, फिगर 9.5 इंक्लाइन प्लेन. वहाँ से एक मार्बल का रोल जो है ऊपर से, फ्रॉम मार्बल रोल इट मूव्स डाउन टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन. ऊपर से नीचे की तरफ एक मार्बल का रोल आ रहा है. अब इसके इस पे क्या होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, एकदम स्पीडली नीचे की तरफ आएगा. बट इन फिगर बी अगर आप वही बॉल को, मार्बल के बॉल को नीचे से अपवर्ड पोजीशन के ऊपर आप क्लाइंब अप कर रहे हो, देन द वेलोसिटी डिक्रीजेस. उस सेकंड वाले केस में फिगर नंबर बी पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम हाइट विच इज व्हेन इट इज रिलीज्ड. ये तो था गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है. इसके बाद पेज नंबर 116 सेकेंड पैराग्राफ, यहाँ से हमारे बेटे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन आ रहा है. एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड अ फोर्स. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है हमें? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स
an object remain in a state of rest or in uniform motion unless it is acted upon by external force. क्या मीनिंग हुआ इसका? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पोजिशन पे, स्टेशनरी पोजिशन पे है, वहाँ पे अगर वो खड़ा है इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वो तब तक वहाँ पे वैसे ही स्टेशनरी पोजिशन पे खड़ा रहेगा जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. एक्सटर्नल फोर्स मीन्स वट? हमें पीछे से कुछ ना कुछ इसको पुशअप करना पड़ेगा. अगर इसकी सिंपल एग्जाम्पल ले रहे, एक ये पेन है, ये पेन इधर का इधर ही पड़ा है, ये रेस्ट पोजिशन पे है. अब ये पेन अपने आप मूवमेंट नहीं करेगा जब तक कि उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रही हूँ, पीछे से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ये पेन को मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, देन इट स्टार्ट मूविंग, तो ये मोशन में आ गया. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. या फिर सेकेंड, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो उसकी स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो या स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉल है, फुटबॉल बॉल है, या छोटा कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई बॉल खेल रहे हैं, वो बॉल एक यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा है, ग्राउंड के ऊपर स्लोप कर रहा है. अगर वही बॉल को आप पीछे से किक कर देते हो तो उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी. आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया. अगर वही बॉल को, वो सामने से बॉल आ रहा है, आपने अपने फुट के साथ उसको आगे से रोक दिया है, तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसकी स्पीड कम हो गई. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में तब तक रहेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब तक ही चलता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. सिंपल. इसी के साथ एक वर्ड आ रहा है नेक्स्ट, इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स वट? इनर्शिया जो है इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ लिंक है. इनर्शिया मीन्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीपिंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अपने स्टे पोजीशन पे या रेस्ट की पोजीशन पे रहे, या फिर अगर वो मूविंग कर रहा है तो मूविंग ही करता रहे. तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया गया था, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ का है. कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बताया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या तब तक ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक हम लोग उसके ऊपर, अनलेस वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. सो इनर्शिया, ये भी किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी है टू स्टे एट रेस्ट, तब तक वो रेस्ट पे रहे, या फिर कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. सो न्यूटन, इन दोनों का आपस में सेम है मीनिंग, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. नंबर सेकंड, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के. इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास. ये आपका कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 9.3 पे है. इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे. इनर्शिया इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो उतना ही उसका इनर्शिया होगा. हैवियर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कितना भी हैवी होगा उसका लार्जर इनर्शिया होगा. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इनर्शिया जो है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है. इनर्शिया इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हैवियर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना मास हैवी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. सिंपल एक इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि यही पेन की एग्जाम्पल ले रही हूँ. ये पेन जो है इसका इनर्शिया जो है कम है, ठीक है. इसको मैंने अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये जल्दी मूवमेंट करके गया. इसके कंपेरेटिव यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बुक लिया है. अब टेस्ट बुक को यहाँ पे मैं पुशअप कर रही हूँ तो ये टेस्ट बुक देखो, ये टेस्ट बुक जो है वो मूव तो की, लेकिन मूव करने के टाइम पे क्या है, उसको मुझे ज़्यादा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा. इट मीन्स क्या था, टेस्ट बुक जो था एनसीईआरटी का, जो आपने जो भी आपने टेस्ट बुक लिया, टेस्ट बुक का मास जो है वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द बॉल पेन. सो हैवी द मास लार्जर द इनर्शिया. इस केस में टेक्स्ट बुक जो है उसका मास क्योंकि हैवी था, उसको मूवमेंट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगा, हैवियर था, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा एज के कम्पेयर टू मोर इनर्शिया एज कम्पेयर टू द बॉल पेन. ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया और मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है. इसी के बेस के ऊपर बैठे आगे टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स पूछे हुए हैं कि इनर्शिया जो है आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का दिया है, किसका इनर्शिया ज़्यादा है किसका कम है. तो ये आप टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स इसके ऊपर पूरे ये आप क्लियर करोगे.
अब इनर्शिया और मास का जो है, इसके हम लोगों ने कई बार एग्जांपल आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप मोटर कार में जा रहे हो तो सडनली वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स. जब तक कोई ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप उसी पोजीशन पे हो. लेकिन जस्ट जैसे ही विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया, द कार स्लोड डाउन एंड अवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ब्रेक तो अप्लाई हो गई लेकिन उस ब्रेक अप्लाई होने के बाद कार जो है इट स्लोज डाउन, कार जो है उसका स्पीड स्लो हो जाएगा. लेकिन उस केस में हमारी बॉडी अभी भी मोशन में है बिकॉज ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे बेटे हम लोगों ने दो तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं. नंबर फर्स्ट, फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश और पुल, किसी भी चीज़ को पुश करना पुल करना जिससे उसकी चेंजेस में कुछ ना कुछ, अगर वो रेस्ट चेंज पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसमें ताकत लगाने से, फोर्स लगाने से वो उसमें हमें उसका ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगी. फोर्स जो है टू टाइप्स हैं, बैलेंस अनबैलेंस. बैलेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. जहाँ पे इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपकी कुतुब मीनार की लेके दी थी कि अगर आप कोई बिल्डिंग को पीछे से पुशअप कर रहे हो वो बिल्डिंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं पोजीशन चेंज करेगी बिकॉज अर्थ उसके ऊपर भी वापिस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है. तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगा. अनबैलेंस फोर्स में यहाँ पे कोई भी फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा. इसमें एग्जांपल हमने लिया था बॉल पेन का, मैंने पीछे से फोर्स अप्लाई किया और उसने अपने पोजीशन चेंज की. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर वो स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही कंटिन्यू करता जाएगा. नाउ नेक्स्ट इनर्शिया था. नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का टू स्टे एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, और अगर वो कीप इन मूविंग है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन या किसी भी स्पीड से जा रही है तो वो उसी में ही जाएगा. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल रहे हैं. नंबर सेकेंड, इसमें इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर. जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. इसमें एक एग्जांपल मैंने आपका टेक्स्ट बुक का लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप ले सकते हो. एक बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट को और एक ट्रक का कंपैरिजन कर लो. ट्रक के, क्योंकि ट्रक का मास जो है वो हैवी है और बुलक कार्ट जो है उसका वेट कम है, मास कम है, तो ट्रक का इनर्शिया जो है हैवियर आएगा एज़ कम्पेयर टू द बुलक कार्ट. सो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का करेंगे. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोल रहे हैं. सेकंड लॉ ऑफ मोशन पेज नंबर 118 पे है. इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.